think about Rajan Shahi sir and think about the channel, they have given on my shoulders 15 years ka legacy. They have taken a golden and given it to you. Matlab maine kuch nahi kiya, I have not hatched it, I have not done anything. Taken and giving it. तो मुझे क्या करना है, बस उसे मेंटेन करना है या उसे ऊंचाइयों पर लेके जाना है बट नीचे नहीं गिरने. आई फेल्ट लाइक आई वॉज बैक ऑन माई डे वन एंड वो अच्छी फीलिंग होती है और नहीं भी होती है बिकॉज डे वन में बहुत सारी नर्वसनेस होती है ना. आई वॉज लाइक मेरे मैक्सिमम सीन्स इन दोनों के साथ थे ना, वो लोग चेंज हो गए तो अब मैक्सिमम सीन्स इन दोनों के साथ होंगे, अब कैसा होगा. Hello everyone, welcome to E-Times. I'm Vijay Tiwari and today I'm in conversation with Samriddhi and इनको आप अभी देख रहे हैं अबीरा के रूप में. इन ये रिश्ता क्या कहलाता है, फिलहाल ये ग्रेप्स का मजा ले रही हैं तो क्योंकि वो बैक टू बैक शूट कर रही हैं तो यही एक मौका मिलता है थोड़ा बहुत मंच करने का. और शो में भी इतना प्यार मिल रहा है जी. ट्रैक जितने भी आते हैं फैंस देखते हैं जूम इन करके आपको और आपके ट्रैक्स को, आपकी स्टोरी लाइन को बहुत पसंद करते हैं. क्या कहना चाहोगे? आई थिंक ये बहुत बड़ी बात लगती है जब ऑडियंसेस आर सो कनेक्टेड इन्वेस्टेड इन द स्टोरी कि वो गेस करने लगते हैं. देर आर मतलब इवन पीपल कैन टेक क्यूज फ्रॉम देम बिकॉज वो उनकी इतनी सारी थ्योरीज होती है कि सपोज अबीरा यहाँ गई है तो वो मे बी इस वजह से. सो एवरीबडी हैज़ सो मेनी थियोरीज विच आर समटाइम्स सो इंटरेस्टिंग एंड आई कम अक्रॉस देम समटाइम्स एंड इट्स सो नाइस टू नो हाउ इन्वेस्टेड दे आर एंड दैट मेक्स मी फील रियली गुड. इट मेक्स मी फील दैट आई एम सच अ स्मॉल पार्ट ऑफ सच अ बिग प्लान एंड आई एम सो फॉर्चुनेट टू बी हियर. And how fortunate and blessed you feel because आपका जो पिछला character था वो भी बहुत strong था. यहाँ पर भी आपको एक ऐसा character मिला है जो कहीं ना कहीं important topics उठाता रहता है. Right. So you know, you're not playing the typical bahu जो usually television को जिसके लिए हमेशा television पे इल्जाम लगता रहता है. Right. है ना? तो do you feel fortunate कि आपको वो किरदार मिल रहे हैं television? I'm absolutely thrilled because मेरी उनके साथ में जो रिलेटेबिलिटी है वो बढ़ जाती है. एंड ऑल्सो आई बिलीव इन नॉट लाइक आई एम एन एक्टर, आई शुड बी एबल टू डू एवरीथिंग बट आई पर्सनली बिलीव इन कॉन्टेंट विच इज़ विच टीचेज यू समथिंग और दैट ट्राइज टू ब्रिंग अ न्यू पॉइंट ऑफ व्यू एंड ट्राइज टू पोर्ट्रे वुमेन स्ट्रॉन्गर विच अबीरा एंड सावी बोथ वर. सावी एंड अबीरा वर टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज but they both stood for what was right and they both spoke for what was wrong and they were both very very good with their careers. They were both very ambitious. Yes. Of course they loved their men families, huh? Their family and everybody but they were very focused also and very family oriented also. Abeera to matlab she didn't have anybody apart from her mother but phir bhi uske andar family set of values itne acche hain. So it's such a even Savi and even this such an interesting character that I feel fortunate that I'm offered these roles. Yeah. And also Samriddhi, you know jab aapne pichla show kiya tha wo bhi यू नो आप उसको एक सक्सेस तक लेकर गए आप और आपकी पूरी टीम और यहाँ पर एक लेगेसी जुड़ी हुई थी ये रिश्ता के साथ. व्हेन यू केम टू द शो जब आपने ये कैरेक्टर पकड़ा और आप अंदर आई आई एम श्योर बहुत सारा यू नो डाउट्स होगा, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होंगे कि विल आई बी एबल टू टेक फॉरवर्ड दिस लेगेसी. और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अचानक आपके शोल्डर पे आई थी क्योंकि वो प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया था पहले दिन से उसका हिस्सा थी. यहाँ पर आप एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पे लेकर आई थी. कभी उसने प्रेशर डाला, मतलब हाउ वाज इट? सी मैंने अभी तक दो ही शोज किए. पिछले वाले शो में क्या था कि आई वॉज कम्प्लीटली न्यू एंड ऑल्सो बिकॉज इट्स अ न्यू शो ऑल टुगेदर तो ऐसा हो जाता है कि सपोज इफ दैट शो डिडंट वर्क ऑल दो इट डिड रन फॉर 363 एपिसोड्स एंड वी वर रॉकिंग द होल 14 मंथ्स बट अगर नहीं काम किया होता तो ठीक है सबके ऊपर आता बट अगर यहाँ काम नहीं किया होता तो मेरे ऊपर आता पर्सनली एंड दैट वॉज हाउ डिफरेंट दैट एंड दिस वॉज बिकॉज ये जनरेशन बाई जनरेशन इतनी
एफर्टलेसली और इतनी शिद्दत के साथ निभाया है बाकी सारे एक्टर्स एंड टीम एंड प्रोडक्शन, मतलब कितने सारे प्रोडक्शन, एवरी वन इज देयर, इवन पीपल फ्रॉम द चैनल, दे हैव बीन इन्वेस्टेड इन द शोज फॉर 8 years, 9 years, 15 years ऑल्सो. सो यू नो दिस जनरेशन नॉट वर्किंग आउट वुड बी अ पर्सनल फेलियर, नॉट जस्ट फॉर द शो बट ऑल्सो ओवरऑल फॉर मी, बिकॉज आई वॉज लाइक ओ माई गॉड इफ दिस डजेंट वर्क, तो जितना ज़्यादा वो मिल रहा है ना, बिकॉज दैट ओ माई गॉड शी इज़ द न्यू लीड ऑफ ये रिश्ता, ओ माई गॉड इसकी वजह से नहीं चला, ओ माई गॉड अब इसकी वजह से शी, बिकॉज ऑल दो एक्टर्स आर नॉट द ओनली फैक्टर बट दे आर द फेस. सो एंड बिकॉज पहले की जनरेशन चल चुकी है तो ऑफकोर्स इट वुड कम ऑन द मेन लीड्स दैट इनएविटेबली कम्स, विच आई एक्सेप्ट एज एन एक्टर, इट्स फाइन. But I'm so, so glad. I'm so glad that that course of action did not happen and the show is running successfully. I'm very happy about that. But did that ever bother you or pressurize you? It didn't bother me, but it was definitely a thought. I was like, what if? What if this golden opportunity turns into something which I don't want to imagine? But it didn't. And ek responsibility thi. I would not say pressure tha. But I would definitely say it was a रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको निभाना है और इसमें ना पूरा खून पसीना सब कुछ एक कर देना है, बिकॉज ये काम करना ही चाहिए. एंड ऑल्सो बिकॉज आई मीन थिंक अबाउट द प्रोड्यूसर्स, थिंक अबाउट राजन शाही सर एंड थिंक अबाउट द चैनल, दे हैव गिवन ऑन माई शोल्डर्स 15 ईयर्स का लेगेसी, दे हैव taken a golden and given it to you. मतलब मैंने कुछ नहीं किया, I have not hatched it, I have not done anything. Taken and giving it. तो मुझे क्या करना है, बस उसे maintain करना है या उसे ऊँचाइयों पर लेके जाना है, but नीचे नहीं गिरने देना. बस वही मैं aim लेकर चल रही हूँ and hopefully fingers crossed आप लोगों की दुआ से ये चलता रहेगा. And हाल फिलहाल में बहुत कुछ हुआ है, बहुत twists and turns आए हैं. Of course. स्टोरी लाइन में भी और ऑफ स्क्रीन भी. एज एन एक्टर हाउ यू नो चैलेंजिंग हैज इट बीन फॉर यू टू सडनली यू नो वर्क इन अ स्कीम ऑफ न्यू थिंग्स, यू नो जहाँ पे आप नए एक्टर के साथ काम कर रहे हो और लेकिन आपको केमिस्ट्री वही दिखानी है जिनके साथ आपने मे बी 30 या 40 एपिसोड में दिखा लिया है. वो कितना चैलेंजिंग रहा है ओवरनाइट? Overnight changes, but again, as an actor, I should be flexible enough. Okay, because I work for the channel, I work for the show, I work for my producer. So, वो मुझे किसी के साथ भी pair करें, किसी के साथ भी cast करें. Me as Abhira, my responsibility becomes to create that same magic with whoever that is. Of course, it was new, it was challenging, but. Not for very long, because of course for Rohit stepping into a show where chemistry and sab kuch build ho gaya and he has to just come and be effortlessly Arman, it's not an easy task for him. So of course you know sabko thoda thoda time lagta hai, but with that we build the chemistry also and now it is I think working out pretty well. And fans ye jodi ko pasand kar rahe hain. वो right. एक अपने आप में विक्ट्री है. ऑफ कोर्स इट इज यू नो प्रूव करता है कि जो शुरुआत हुई है वो सही हुई है. राइट. आई थिंक आई डू बिलीव कि इफ वी आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल विद द राइट इंटेंशन देन चीजें काम करती हैं एंड देन देयर इज दिस डिवाइन फोर्स दैट कम्स. भगवान बोलो आप उसको, यूनिवर्स बोलो, कुछ भी बोलो, वो एक शक्ति है जो आके आपकी मदद जरूर करती है, बिकॉज यू आर वर्किंग सो हार्ड एंड यू आर वर्किंग with your heart, you know, so I think somebody is there blessing you. But was it even you know disturbing for you kyunki overnight itna sab kuch ho gaya aur I felt very new. I felt like I was back on my day one and wo achhi feeling hoti hai aur nahi bhi hoti hai, because day one mein bahut sari nervousness hoti hai and I was like mere maximum scenes in dono ke sath the na wo log change ho gaye तो अब मैक्सिमम सीन्स इन दोनों के साथ होंगे, अब कैसा होगा, बिकॉज आई हैव नॉट मेट देम, आई डोंट नो हाउ दे एक्ट, आई डोंट नो कैसी केमिस्ट्री होगी, कैसा नेचर होगा, नाउ हाउ इज इट गोइंग टू बी. बट आई हैव टू से कि बोथ ऑफ देम आर सच लवली पीपल दैट वो थॉट तो फर्स्ट मीटिंग में ही चला गया था, बिकॉज द मोमेंट आई स्पोक टू देम आई अंडरस्टूड दैट
it's really going to be a fun ride, and we are almost like friends, all three of us, and it's going really well. And lastly, I would also want to know ki, you know, there have been, since the time it has happened, there have been numerous reports, speculations about you not getting along with them or they not getting along with you, ki unka ek separate apna ek chemistry thi, so aapke saath zyada interaction wagaira nahi hota. What do you have to say about that? See, from my perspective, I am hired by the show. I'm hired by the producer. I'm hired to play Abhira. I come here, this is my workplace, this is my worship, yahi mera mandir hai. Main yahan aati hu, kaam karti hu aur chali jati hu. Honestly, dost banana achhi baat hai, but dosti ka mera koi maksad nahi hai. Honestly, ki aisa nahi hai ki hum dosti banane aaye hain, kyunki bahut easy hota hai ki aap fir dosti mein na aap kaam ko thoda side kar do aur pehle dosti mein lag jao. To इसीलिए मैंने ऐसा कुछ नहीं है, मेरी किसी के साथ भी ऐसी फ्रेंडशिप नहीं है, बट आई एम कॉर्डियल विद एवरीबॉडी, बिकॉज विद अभीराज कैरेक्टर आई डोंट गेट अ लॉट ऑफ टाइम. तो जितना भी टाइम मैं सेट पे होती हूँ, आई टॉक टू एवरीबॉडी एंड आई सबका हालचाल पूछना, सबके अनीता मैम एंड सब जो भी हैं हमारे सीनियर आर्टिस्ट या जूनियर्स जो भी हैं, हर किसी से मिलना जुलना प्यार मोहब्बत से, बिकॉज दोस्ती बनाने के लिए तो आपको ज़्यादा यू नो वन टू वन और कल्टिवेट, वो दैट वॉज नेवर माई गोल. सो आई वुड नॉट ब्लेम देम एंड आई वुड नॉट ब्लेम एनी बडी एल्स, बट इट वॉज जस्ट नॉट माई पर्सनल गोल टू बी फ्रेंड्स विद एनी बडी. सो या दैट्स अबाउट इट. एनी मैसेज टू फैंस? आई थिंक हम इस दौरान जो काम कर रहे हैं, गोयनकाज वाला ट्रैक खोल रहे हैं, विच इज़ massive, which is MG coming to know, Manish ji coming to know about Abhira and you know all the drama that unfolds. It's going to be a ride. ये बहुत बड़ा ड्रामा है जो अभी हम खोलने वाले हैं, तो आप लोग stay tuned, देखते रहिए. I know IPL के matches हैं, but this is also going to be very interesting. अभी अभी हमने orphanage वाला एक scene किया, जिसमें हमने we have shot two songs, so we are putting in more than we were before. So I just hope that you would take out your precious time and watch it. Thank you so much. It was a pleasure talking to you, Samriddhi. Kabhi hum fir baithenge aur at length I would like to know about your you know career goals and aspirations. Wo fir se hum kabhi baat karenge. Definitely. Thank you so much for taking out time and chatting with us. Thank you, Vijaya. Thank you so much.